सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दिग्विजय कंडारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग स्किल डेवलपमेंट में। दोस्तों आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज के टॉपिक है हमारा प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के क्या क्या फायदे हैं और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ी है। दोस्तों जब कभी भी कोई न्यू पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होता है तो हम लोगों के पास एक छोटी सी लिस्ट होती है 100, 200, 300, 400, 500 लोगों की। वो लिस्ट एक वक्त के साथ में खत्म हो जाती है हमारी। हम उनको प्लान दिखा देते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, कुछ लोग हमारे कस्टमर बनते हैं, कुछ लोग हमारे साथ शामिल होकर के बिजनेस करते हैं। लेकिन दोस्तों उस एक छोटी सी टीम के साथ में एक बड़ा बिजनेस करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम इजी वे और ऑनलाइन की बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन हर कोई है। दोस्तों लगभग कहें तो सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है या आईफोन है, लगभग सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ में हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों आजकल में जो कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो हम सभी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, हम लोग वन टू वन कैसे करें, हम अपने ग्रुप मीटिंग्स कैसे करें, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ टच में कैसे रहें। सो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन में जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मैं कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम आपको बताता हूँ, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, हेलो ऐप हो गया, लाइकी हो गया, टिकटॉक हो गया, और भी बहुत बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिन पे आज सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक्टिवेट हैं, जिनमें लोग अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, अपने इंटरेक्शंस भेजते रहते हैं अपने चाहने वालों तक। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करूंगा, सबसे पहले फेसबुक की बात करूंगा कि आप फेसबुक के थ्रू कैसे अपने लिए नए प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं, कैसे उनको प्लान शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जो फर्स्ट थिंग आती है उसको बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर। दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर में बहुत सारे लोग कुछ भी फोटो लगा देते हैं, कोई सीनरी लगा देता है, या कोई सिंगल अपनी फोटो लगा देता है, कोई टी शर्ट में फोटो लगा देता है। दोस्तों मेरा जो मानना है, अगर आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना चाहते हैं, एज अ बिजनेसमैन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उन तक इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए। आपके पास कोई अच्छा सा ड्रेस कोड होगा, उसमें आप एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर वहां पर लगा सकते हैं, सो दैट लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। सो दैट अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें फेसबुक पे, तो उसे लगे कि हाँ, ये पर्सन कुछ बात करने के लायक है, या इनसे हम कुछ बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो फेसबुक में आता है, फेसबुक में एक आपने देखी होगी बैक साइड में एक कवर फोटो आती है। कवर फोटो में कुछ लोग कुछ एडवेंचरस लगा देते हैं, कुछ लोग अपने घर की फोटो लगा देते हैं, कुछ लोग अपने कुछ कोर्स लिख लेते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल जो आईडीज होती हैं, प्रोफेशनल जो फेसबुक की आईडीज होती हैं, उनमें कैसा होता है, अगर आप किसी बड़ी मीटिंग्स में गए हैं, आप किसी बड़े सेमिनार में गए हैं, आपने कोई वन टू वन मीटिंग करी है और आपका एक अच्छा सा बैकग्राउंड है वहां पर, तो उसकी आप एक फोटो खींचकर वो एक प्रोफाइल पिक्चर, वो आप एक कवर फोटो में लगा सकते हैं उसको। तो दोस्तों दो जो मेन चीजें होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई आपकी प्रोफाइल देखे, फर्स्ट टाइम जब आपकी कोई प्रोफाइल देखे, उसको लगे कि हाँ, इनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, दैट शुड बी गुड। आपकी जो कवर फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट पीपल विल अट्रैक्ट यू। उसके बाद में हम लोगों को भेजते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। दोस्तों फेसबुक में एक ऑप्शन आता है, सबसे ऊपर एक बार टैब रहता है सर्च टैब का, उसमें आप अपना कोई भी फेवरेट नाम, लेट्स से मेरा फेवरेट नाम है अमित और मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो अगर उस सर्च टैब के अंदर में मैं सर्च करूंगा अमित इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर में जितने भी अमित नाम के लोग हैं सारे उस लिस्ट में आ जाएंगे, और उन लोगों को मैं अपनी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में लगभग जो रेशियो है मेरे साथ, जो रेशियो है लगभग 20-25% का एक रेशियो मेरे पास में रहता है, कि वो लोग जिनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में
अगर आपकी फ्रेंड आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने एक्सेप्ट करी है, किसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, उसको जानने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर के एक्टिविटी लॉग का एक कॉलम आता है, एक्टिविटी लॉग में चेक कर सकते हैं किन किन लोगों ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। तो दोस्तों, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में आप उनको एक पर्सनल मैसेज भेजेंगे। पर्सनल मैसेज में आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी पिछली वीडियो में, ओपनर्स आप भेज सकते हैं, या आप उनको लिख सकते हैं हाय, डू यू वांट टू मेक मोर मनी अदर देन योर बिजनेस और योर करंट प्रोफेशन, या इस तरीके के आप कोई भी ओपनर्स या कुछ इस तरीके के स्टार्टिंग, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से बातें लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद में बात आती है कि अब हमने उनसे बातचीत स्टार्ट कर ली है, अब हमारा जो मेन मकसद है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनसे बात करना है। उनसे हम कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे और उसके बाद में उनको एक और एप्लीकेशन में हम लोग इन्वाइट करेंगे, और दैट इज कॉल्ड जूम एप्लीकेशन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जूम एप्लीकेशन में आजकल हम लोग भी बहुत सारी मीटिंग्स, अपनी जो भी टीम मीटिंग्स हैं, जो भी बड़े सेमिनार्स हैं, जो भी ट्रेनिंग्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से, किसी भी सेल्स से रिलेटेड हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आजकल, हम लोग भी जूम एप्लीकेशन थ्रू कर रहे हैं, या फिर वेबएक्स के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपका काम है उनको, जो आपके नए प्रोस्पेक्ट हैं, उनको जूम एप्लीकेशन में लेकर के आना। आप उनके फोन में, आप उनको बता सकते हैं कि आप एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसके थ्रू आप उनको वन टू वन अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, अपनी मोबाइल की, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके, और आप उनको प्लान शो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग आगे जानेंगे कि जूम एप्लीकेशन में हम किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, वन टू वन आप अनलिमिटेड मीटिंग्स कर सकते हैं, अप टू 40 मिनट्स आप 100 पीपल्स की एक गैदरिंग कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हम उसमें पेड वर्जन में कर सकते हैं। और दोस्तों, फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, या फिर लाइकी हो गया, या हेलो एप्लीकेशन हो गया, इन सारे सोशल मीडिया के बारे में, इन सब सोशल मीडिया से हम कैसे लोगों तक इंटरेक्ट हो सकते हैं, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा एक जो मेन चीज ये है कि आप प्लीज फेसबुक में 10 से 15 रिक्वेस्ट ही एक दिन में भेजें, नॉट मोर देन 10 to 15 रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी टीम में भी ऐसा हो चुका है, उसके बाद में जो फेसबुक उनको काउंट करता है, अगर आपने 10 या 15 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दिए तो फेसबुक उनको स्पैम में काउंट करता है, और आपकी आईडी शायद ब्लॉक हो जाती है कुछ दिन के लिए। लेकिन लिंक्डइन में ऐसा नहीं है, लिंक्डइन में आपकी आईडी सीधे टर्मिनेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल, और 10 से 15 रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं आराम से, और 10 से 15 रिक्वेस्ट आप जब भेजेंगे एक दिन भर में, तो आपके पास में 300 पीपल्स की लोग 300 पीपल्स एक मंथ में हो जाएंगे काम करने के लिए। दोस्तों, उनमें से अगर रेशियो निकालते हैं 80-20 रूल के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, उनमें से आपको कितने लोग मिलेंगे आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी आपको डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। टिल द टाइम, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग।